और अब बात बिहार के आरा जिले में स्थित बाबा लंगटनाथ का मंदिर के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना हजारों साल पहले हुई थी, लेकिन इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना द्वापर युग में ही की गई थी, जहां वानरसुर नामक राक्षस की तपस्या से खुश होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे। आप रिपोर्ट देखें। बाबा के दरबार में पूरी होती है मनोकामना। वानरसुर यही करता था महादेव की तपस्या। हजारों साल पुराना है बाबा लंगटनाथ मंदिर। सावन के पावन महीने में देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। कई मंदिर ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां खुद भगवान शिव विराजमान हैं। एक ऐसा ही मंदिर है आरा जिले के उतवंत नगर प्रखंड के गढ़हा गांव में, जो बाबा लंगटनाथ मंदिर के रूप में पूरे इलाके में प्रसिद्ध है। यहां भक्त दूर दूर से बाबा के दर्शन और पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। इतना पुराना वर्ष यह मंदिर है लंगटनाथ का? 1000 से ऊपर हुई। अच्छा, बना फिर पूजा करे होते रहे। पहले सब जंगल रहे, पूरा जंगल था। हाँ, पूरा जंगल रहे, बना से शंकर जी के प्रगट कैल। तब कलन के अब जाई नु बना तो कल कि ना तो बेजे रह तो रह अगला नहीं जे। बाबा लंगटनाथ का ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है, जहां वैसे तो हर दिन भक्त भगवान की पूजा करने पहुंचते हैं, लेकिन सावन के महीने में यहां हजारों की संख्या में भक्त जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि द्वापर युग में वानरसुर नाम का राक्षस यहां महादेव की तपस्या करता था, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया था। नहीं तो हजारों का लाखों में असोम और सावन के तो बहुत लोग भीड़ होते, देश विदेश तक आते, मन्नत मांगते हैं, तो उनका मन्नत भी मतलब पूरा होता है। इस मंदिर को मनोकामना धाम के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ आता है, भोलेनाथ उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। हमेशा भगवान ही भक्त की रक्षा नहीं करते हैं, कभी कभी भक्त भी भगवान पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। यही कहानी लंगटनाथ मंदिर की है। भक्त को स्वप्न में आया कि इस मंदिर को नहीं बनाना है, लेकिन वह मंदिर बनाने में लग गया, अपना सर्वस्व दांव पर लगा करके वह माना नहीं तो शिवालय का निर्माण। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में विराजमान शिवलिंग हजारों साल पहले यहाँ खुद ही जमीन से निकला था, जिसे कई लोगों ने दूसरे स्थान पर ले जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन भोलेनाथ की महिमा ऐसी है कि कोई भी शिवलिंग को इसके स्थान से हिला तक नहीं पाया और अंत में इसी जगह मंदिर बनाकर पूजा पाठ शुरू कर दिया गया। मंदिर के पास ही करीब 52 बीघा में एक तालाब भी मौजूद है, जो इस मंदिर की अलौकिकता को 4 चांद लगा देता है। इस मंदिर में सावन और शिवरात्रि के मौके पर भक्तों की भीड़ लगती है। हजारों साल पुराना होने की वजह से मंदिर में लोगों की आस्था भी उतनी ही गहरी है। आज यह मंदिर न सिर्फ इलाके की पहचान बन चुका है, बल्कि यह मंदिर भक्तों की आस्था का एक बड़ा केंद्र बन गया है। आरा से चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।